नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज खबर प्रयागराज 12 से। प्रेम प्रपंच के चलते 12 थाना क्षेत्र के आसरवई गांव में 6 जून की रात में घर के बाहर सो रहे युवक संदीप कुशवाहा पुत्र विजयपाल कुशवाहा उम्र 20 वर्ष को गांव के ही कुछ लोगों द्वारा सोते समय बेरहमी से उस पर धारदार हथियार से जान से मारने की नीयत से प्रहार किया। हमले के कारण बेहोशी की हालत में संदीप कुशवाहा पर हमला करने वाले लोग मृत समझ के मौके से भाग गए और उसको चद्दर से ढक दिया। सुबह उठने पर जब परिजनों ने देखा कि संदीप की चारपाई के नीचे खून फैला हुआ है तो उन लोगों ने चादर हटाया तो देखा संदीप गंभीर अवस्था में घायल है। इसके बाद परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना देते हुए संदीप को इलाज के लिए जिला अस्पताल के लिए ले गए, लेकिन इलाज के दौरान गंभीर चोट होने के कारण संदीप की मौत हो गई। आज जैसे ही मृतक संदीप कुशवाहा का शव पोस्टमार्टम होने के बाद गांव पहुंचा तो परिजनों के द्वारा शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया गया। परिजनों के द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की जाती रही, लेकिन पुलिस परिजनों को मृतक के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए समझाती रही, जिस पर परिजन नहीं माने। हंगामा देख क्षेत्राधिकारी 12 के द्वारा एहतियात के तौर पर कई थानों की पुलिस फोर्स को बुलाया गया, फिर भी परिजन अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं और उच्चाधिकारियों के आने के बाद ही परिजन ने शव का अंतिम संस्कार करने की बात की। वहीं SDM 12 व क्षेत्राधिकारी 12 के आने के बाद परिजनों को बहुत देर रात तक समझा बुझाकर उनकी मांगों पर भरोसा दिलाया, जिसके बाद क्षेत्राधिकारी 12 ने आश्वासन दिया कि जो मुजरिम फरार है उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। तब जाकर परिजनों ने शव के अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। आप जो कहोगे आपका लड़का मेरा लड़का एक ही जैसा 300 आपको इतना वो समझ नहीं पा रहे लोग 302 ही हो गया है वो 360 नहीं रह गया है। एक चीज है कानूनी उसको करिए, हम तुम्हारे साथ में हैं। शायद 302 हो गया, उसको चलान करके भेजिए, जेल भेज दीजिए। ना भैया कल भेजेंगे ना, कल क्या गारंटी क्या है कल भेजोगे? इतनी गारंटी आप ले लीजिए, उसका हमको लिखित दीजिए कि मतलब 302 का चलान लगा के हम भेज रहे हैं, कल भेजेंगे। आप लिखित दे दीजिए, मेरे को सरकारी कागज चाहिए। प्रयागराज मंडल प्रभारी धनंजय प्रजापति की रिपोर्ट।